हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कॉटन थ्रेड से योग बनाना सीखेंगे समर के लिए। तो ये हमने एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है, 3-ply कॉटन थ्रेड है। ये देखिए 3-ply का कॉटन थ्रेड है। इस योग को बनाने के लिए हमने 2.5 mm क्रोशेट हुक का यूज़ किया है। हुक नंबर mm से ही ले, 2.5 mm। ये देखिए, एंड ये योग हमने 9 to 18 months के लिए बनाया है। एंड आपको अगर न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो 85 चैन लेनी है, सेम बनाना है, सेम पैटर्न बनाना है। 85 चैन लेनी है, ऐसे डिवाइड करना है 14 एंड 14 स्लिप्स में। ये बैक है एंड ये फ्रंट है, 28। 9 रो बनाने के बाद स्लिप ज्वाइन करना है। यही सेम पैटर्न, सेम योग बनाना है आपको। 6 to 9 months के लिए बनाना है तो आपको बैक में 16, स्लीव्स में 16, फ्रंट में 32, 96 चैन लेंगे। 9 रो बनाने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो आपका चेस्ट आएगा 10 इंच चेस्ट आएगा 6 to 9 months बेबी गर्ल के लिए। अगर चेस्ट आपका कम या ज़्यादा है तो आप रो बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 9 to 18 months के लिए बनाना है तो ये सेम योग हमने बनाया, सेम योग बनाया है। चेस्ट है 11 inches, इस योग का चेस्ट है 11 inches। हमने 11 रो बनाने के बाद ये देखिए चेस्ट को ज्वाइन करेंगे तो चेस्ट है हमारा 11 inches। ये 9 to 18 months बेबी गर्ल के लिए हमने बनाया सेम योग। एंड आपको यही योग 3 to 4 year गर्ल के लिए बनाना है तो आपको 108 चैन लेनी है। 11 रो बनाने के बाद स्लीव ज्वाइन करना है तो चेस्ट आएगा 12.5 inches। 4 to 6 year के लिए बनाना है तो आपको 108 चैन लेना है, सेम डिवाइड करना है 18 and 18 बैक में, स्लीव्स में 18 and 18, फ्रंट में 36, सेम डिवाइड करना है 3 to 4 year गर्ल के लिए एंड 4 to 6 year गर्ल के लिए। 108 चैन ही लेना है, सेम डिवाइड करेंगे, ओनली आपको रो बस बढ़ाना है। तो 3 to 4 year गर्ल में आपको 11 रो बनाने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो आपका चेस्ट आएगा 12.5 inches। एंड 4 to 6 year गर्ल के लिए बनाएंगे, 13 रो के बाद आप स्लीव ज्वाइन करेंगे तो चेस्ट आएगा आपका 14.5 inches। तो ये हमने 4 to 6 year तक का न्यूबॉर्न से 4 to 6 year का पूरा साइज मेजरमेंट बताया है। बट फिर भी आपका चेस्ट बॉडी टाइप के हिसाब से अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने के बाद, स्लीव ज्वाइन करने के बाद आप रो बनाएंगे, उसके बाद पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी योग को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम 96 चैन बनाएंगे। 96 चैन बनाने के बाद 1, 2, 3 थर्ड चैन से बनाएंगे स्टार्ट करना, सॉरी फोर्थ चैन से। चैन थोड़ी आप ज़्यादा ही लें, 5 या 6 चैन बाद में हम यहाँ से ओपन कर देंगे। 1, 2, 3 एंड 4 फोर्थ चैन से हम लेंगे डबल क्रोशेट 1। ठीक है, तो हमने 96 चैन ली, सेम योग बनाएंगे, सॉरी सेम योग बनाएंगे 96 चैन लेंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चैन भी काउंट करेंगे तो 1, 2, 2 डबल क्रोशेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए डबल क्रोशेट बनाएंगे कंटिन्यू, तो ये देखिए डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो पहले हम 16 डबल क्रोशेट बनाते, 16 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमने 16 डबल क्रोशेट बनाए, फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे चैन 2, सेम स्टिच में, देखिए ध्यान से सेम स्टिच में लेंगे डबल क्रोशेट 1। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है,
यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये वन डबल क्वेश्चन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे कंटिन्यू 16 डबल क्वेश्चन बने, 16 डबल क्वेश्चन बनाए, चैन टू, सेकेंड कॉर्नर सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्वेश्चन वन, डबल क्रोशेट वन, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहीं से, ये वन डबल क्रोशेट है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे कंटिन्यू 32 डबल क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए 32 डबल क्वेश्चन बनाया हमने, चैन टू, थर्ड कॉर्नर चैन टू सेम स्टिच में बनाएंगे, सेम स्टिच में डबल क्वेश्चन वन, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहीं से, तो वन डबल क्वेश्चन, नेक्स्ट में टू, थ्री, फोर, ऐसे में कंटिन्यू 16 डबल क्वेश्चन बनाएंगे, वन, सिक्स, 16 डबल क्वेश्चन बनाया, चैन टू, लास्ट कॉर्नर सेम स्टिच में डबल क्वेश्चन बनाएंगे वन, नेक्स्ट में टू, कंटिन्यू 16 डबल क्वेश्चन बनाएंगे, वन, सिक्स, 16 डबल क्वेश्चन बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा चैन है ओपन कर देंगे बाद में। तो हमने बनाया 16 डबल क्वेश्चन, फर्स्ट कॉर्नर 16 डबल क्वेश्चन, सेकेंड कॉर्नर 32 डबल क्वेश्चन, थर्ड कॉर्नर 16 डबल क्वेश्चन, फोर्थ कॉर्नर एंड 16 डबल क्वेश्चन, वन, टू, थ्री, फोर, चैन फोर, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, डबल क्रोशेट है, ये देखिए यहाँ पे सेम बनाएंगे इसमें भी, चैन वन। अब यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करेंगे, कॉर्नर है टू चैन स्पेस, कैसे बनाए, डबल क्रोशेट वन, चैन टू, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट वन, वन चैन स्पेस के हमारे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, एंड ये कॉर्नर है, तो ये नाइन वन चैन स्पेस की जालियाँ बनी, चैन वन, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, सेम बनाएंगे, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, ये सेम बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए ऐसे बनाया हमने, कॉर्नर तक आ गए, चैन वन,
ये जो कॉर्नर की स्टिच है इसमें भी हमें बनाना है डबल क्रोशेट, वन चैन वन, इस कॉर्नर में बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, चैन टू, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट वन, तो हमारा कॉर्नर बन गया, चैन वन, ये फर्स्ट स्टिच है इसमें बनाना डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, तो सेम बनाते हुए हमें इस कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए कैसे बनाते हैं, हम आ गए वन चैन स्पेस। अब ये हमारी कॉर्नर की स्टिच है, पहले चैन वन लेंगे। अब ये जो कॉर्नर की स्टिच है ये देखिए यहाँ पे सेम स्टिच में बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशेट वन, चैन वन लेते हुए कॉर्नर क्रिएट करेंगे। ये देखिए चैन वन टू कॉर्नर, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट वन बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर है चैन वन, तो फर्स्ट स्टिच है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट वन, सेम बनाते हुए कंटिन्यू आएंगे, सेम कॉर्नर यहाँ भी बनाएंगे। तो ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पहले समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, तो ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए डबल क्रोशेट बनाया हमने, स्किप वन स्टिच, वन चैन, स्किप वन स्टिच लेते हुए डबल क्रोशेट बनाए, चैन वन, एक बार फिर से देखिए कैसे क्रिएट करना है कॉर्नर। तो ये हमारी कॉर्नर की स्टिच है, तो चैन वन लेंगे, पहले तो हम कॉर्नर की स्टिच भी बनाएंगे वन डबल क्रोशेट, चैन वन लेते हुए कॉर्नर में बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, चैन टू, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, जो फर्स्ट स्टिच है कॉर्नर की सेम बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, ये पूरा कंप्लीट करेंगे आते हुए। देखिए कंटिन्यू डबल क्रोशेट वन चैन, स्किप वन स्टिच, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, स्किप वन स्टिच बनाते हुए यहाँ तक आ गए लास्ट में, चैन थ्री, वन टू थ्री, चैन थ्री, वर्क को टर्न किया, वन चैन स्पेस में डबल क्रोशेट वन, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, डबल क्रोशेट वन, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाना हर एक स्टिच में, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, वन चैन स्पेस, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, वन चैन स्पेस, डबल क्रोशेट, बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। देखिए कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाया हमने, कॉर्नर में बनाना है वन टू डबल क्रोशेट, चैन टू, सेम स्टिच में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट वन चैन स्पेस डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, वन चैन स्पेस डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। ये देखिए तो सेम बनाना हमको, सेकंड कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए सेकंड कॉर्नर आया, सेकेंड कॉर्नर टू चैन स्पेस है, टू डबल क्रोशेट, वन टू डबल क्रोशेट, चैन टू, सेम स्टिच में टू डबल क्रोशेट, वन टू, कॉर्नर है डबल क्रोशेट बनाएंगे कंटिन्यू,
सेम बनाना है हमें, थर्ड कॉर्नर भी सेम बनाएंगे कंटिन्यू डबल क्रोशेट, फोर्थ कॉर्नर भी सेम बनाएंगे टू डबल क्रोशेट, टू चैन एंड टू डबल क्रोशेट, फिर कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करेंगे बनाते हुए, तो देखिए कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए अगर लास्ट में हमने फोर चैन ली थी, वन चैन स्पेस के लिए यहाँ पे वन डबल क्रोशेट बनाएंगे एंड वन टू थ्री चैन थ्री थर्ड चैन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तभी लेवल में आएगा वन टू थ्री एंड फोर सेम बनाएंगे। फोर चैन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, ये सेम बनाते हुए आएंगे। जैसे इस साइड हमने वन चैन स्पेस बनाया था तो वन टू सेकेंड रो की तरह हमें बनानी है, यहाँ तक कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए। ये देखिए डबल क्रोशेट वन चैन स्किप वन स्टिच, डबल क्रोशेट वन चैन स्किप वन स्टिच, डबल क्रोशेट लेते हमने वन चैन स्पेस की जालियाँ बनाई, कॉर्नर में आ गए चैन वन, ये कॉर्नर है। तो अभी कॉर्नर की जो स्टिच है इसमें बनाएंगे पहले डबल क्रोशेट वन, चैन वन, कॉर्नर में डबल क्रोशेट वन, चैन टू, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट वन। तो जो चैन टू है ये हमारा कॉर्नर है, तो अब हमारी स्टिच है वो वन चैन स्पेस है, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। और पहले थे हमारे वन चैन स्पेस की जालियाँ थी पहले हमारी, देखिए ये कॉर्नर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन एलेवन ऐसे हमारी इंक्रीज होती जाएगी रो। अब सेम आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। चैन वन सेम स्टिच में बनाएंगे, जैसे अभी हम इस साइड बनाए थे हमने सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, नेक्स्ट स्टिच में सॉरी ये देखिए एक डबल क्रोशेट वन, जैसे इस साइड बनाएंगे वैसे इस साइड भी बनाएंगे। तो डबल क्रोशेट की टू स्टिच है वन एंड टू, तो फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे चैन वन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन। देखिए सेम बनाया हमने वन टू सेकेंड रो की तरह हमें बनाना है सेम। उसके बाद हम बनाएंगे ये भी पूरा कंप्लीट करने के बाद बनाएंगे कंटिन्यू डबल क्रोशेट की रो बनाएंगे। तो ये ऐसे हमें कंप्लीट करना है, जितनी लेंथ हमें चाहिए जितना चेस्ट हमें जब तक चेस्ट कवर हो जाएगा वहीं तक हमें इंक्रीज करना है। तो पहले हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने 11 रो बना के कंप्लीट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। अब स्लिप्स ज्वाइन करेंगे, यहाँ से वन टू थ्री थर्ड चैन से लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे पहले। चैन थ्री वन टू एंड थ्री, चैन थ्री फर्स्ट डबल क्रोशेट है वन चैन स्पेस के लिए, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन स्किप वन स्टिच एंड नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन। ये बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, ये जो कॉर्नर है यहाँ तक आएंगे। ये देखिए कॉर्नर में आ गए चैन वन, कॉर्नर में बनाएंगे वन डबल क्रोशेट चैन वन, सेकंड कॉर्नर से ज्वाइन लेंगे डबल क्रोशेट से। ये देखिए स्लिप हमारी फर्स्ट स्लिप ज्वाइन हो गई, चैन वन स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट वन, चैन वन स्किप वन स्टिच, डबल क्रोशेट वन, कंटिन्यू वन चैन स्पेस बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए नेक्स्ट कॉर्नर तक आ गए, चैन वन लिया डबल क्रोशेट वन बनाएंगे, चैन वन कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशेट से,
चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट वन, चैन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट वन। ये देखिए तो हमारी सेकेंड स्लिप्स भी ज्वाइन हो गई। तो बना के यहाँ तक आके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए वन चैन स्पेस बनाते हुए आ गए। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, फोर चैन थे, चैन वन, वन टू थ्री, थर्ड चैन से ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए तो हमारा योग बनकर रेडी हो गया। देखिए ये बैक है एंड ये फ्रंट है, चेस्ट है हमारा। देखिए चेस्ट है परफेक्ट 11 इंच। तो ये हमने अपना योग बनाकर रेडी किया। अब आपको कोई भी पैटर्न डालना है, थ्रेड का वर्क है, समर के लिए है। आपको यहाँ से थोड़ी सी थ्री या फोर या रो, आपको जितनी रो बनानी है, सेम पैटर्न की बनानी है, कंटिन्यू डबल क्रोशेट की रो बनानी है, बनाने के बाद ही उसके बाद कोई सा भी पैटर्न स्टार्ट करें। मैंने इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाली है फ्रॉक की, जैकेट की, तो आप उसमें से भी देख के कोई सा भी पैटर्न डालेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरे बनाए हुए योग आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।